हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सेट में। दोस्तों आज हम लोग केमिस्ट्री का पार्ट 7 पढ़ेंगे, जिसमें आपको 2019 बायो ग्रुप के पेपर में केमिस्ट्री के प्रश्नों को हम लोग हल कर रहे हैं। तो आज बायो ग्रुप के केमिस्ट्री के सेक्शन का पार्ट 2 है और टोटल ये 7वीं वीडियो है, जिसमें से 5 वीडियो आपको पहले ही मैथमेटिक्स ग्रुप की दे चुकी गई है। तो ये कुल मिला जुला के 7वीं वीडियो है और आप इन सभी वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट केमिस्ट्री फॉर BHU BSE एंट्रेंस एग्जाम में जाकर वहां से सब देख सकते हैं और अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, KCl क्रिस्टलाइजेस इन द सेम टाइप ऑफ लैटिस एज डज NaCl, गिवन दैट R Na प्लस अपॉन RCl इक्वल टू 0.05 एंड R K प्लस अपॉन RCl माइनस इक्वल टू 0.74। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ वन यूनिट सेल फॉर KCl टू NaCl इज। KCl उसी प्रकार की जाली में क्रिस्टलीकृत होता है जैसा NaCl करता है। दिया गया है R Na प्लस अपॉन RCl इक्वल टू 0.55 और R K प्लस अपॉन RCl नेगेटिव इक्वल टू 0.74। NaCl तथा KCl के यूनिट पक्ष के अनुपात की गणना कीजिए। तो एक चीज यहां से चेंज करना पड़ेगा, KCl से NaCl जाना है। KCl से NaCl के गणना का अनुपात करना है, क्योंकि इंग्लिश वाले में वही चीज है। ओके, तो एक यूनिट सेल बनेगा एक Na और एक Cl से, अगर NaCl की बात करें। इसी तरीके से KCl की बात क्या करनी है, तो एक K और एक Cl। हमारा एम क्या है, हमारा जो है हमें करना क्या है, हमें ये निकालना है RK प्लस और RCl नेगेटिव अपॉन RNa प्लस RCl नेगेटिव, ये हमें लाना है, इसी की वैल्यू हमें लानी है। ओके, क्लियर है। ये दोनों मिलकर एक यूनिट सेल बनाएंगे KCl का और ये दोनों मिलकर एक यूनिट सेल बनाएंगे NaCl का। अब जरा देखिए क्या क्या गिवन है, गिवन पे चलते हैं। तो गिवन में है, सॉरी, गिवन में है RNa अपॉन आर सी एल निगेटिव इक्वल टू 0.55। अब मैंने क्या किया, दोनों में प्लस वन कर दिया, इन दोनों में प्लस वन किया तो हो गया आर एन ए प्लस और आर सी एल निगेटिव प्लस वन, और इधर प्लस वन करेंगे तो 1.55 आ जाएगा। ये इंप्लाई क्या करता है, आर एन ए प्लस प्लस आर सी एल माइनस अपॉन आर सी एल माइनस इक्वल टू 1.55। ओके, इसको यहीं छोड़ दीजिए। अगला स्टेप देखिए, फिर इसी तरीके से हम लोग आर के प्लस अपॉन आर सी एल निगेटिव इक्वल टू 0.74 दिया है, इसमें भी दोनों प्लस वन कर दीजिए। तो अब एक स्टेप में इसमें अपने से ऐसे ही बना दूंगा, आप समझ जाएंगे। ओके, क्लियर है, प्लस वन करेंगे ये ऊपर जाएगा अपॉन में ऐसा और उधर ऐड कर देंगे तो 1.75। अब हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था आर के प्लस अपॉन प्लस आर सी एल निगेटिव अपॉन आर एन ए प्लस प्लस आर सी एल निगेटिव। तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं और इसे इक्वेशन टू मान लेते हैं और कह देते हैं समीकरण दो भागे समीकरण एक से। अच्छा, भाग दे देंगे तो देखो क्या होगा,
ये ऊपर रहेगा, ये सीएल कट जाएगा, इसका सीएल भी कटेगा, अपॉन करके, अपॉन करेंगे तो कट जाएगा ना। चलिए कर ही देता हूं मैं, आर के प्लस आर सी एल निगेटिव अपॉन आर सी एल निगेटिव होल अपॉन, होल अपॉन को दूसरे कलर से कर देता हूं, होल अपॉन आर एन ए प्लस आर सी एल निगेटिव अपॉन आर सी एल निगेटिव, और ये 1.74 अपॉन 1.55 के इक्वल होगा। यहाँ से सी एल सी एल कट जाएगा और हमारा रिक्वायर्ड जो है वो हमें मिल जाएगा, और वो क्या था, आर के प्लस आर सी एल निगेटिव अपॉन आर एन ए प्लस प्लस आर सी एल निगेटिव, और ये भाग देंगे तो 1.125 आ जाएगा और वही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। ओके क्लियर है, क्लियर है तो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिलेटिव पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा बीटा गामा एंड न्यूट्रॉन फॉलोज द ऑर्डर, अल्फा बीटा गामा तथा न्यूट्रॉन की सापेक्ष मर्मज्ञ शक्ति इस प्रकार है। तो देखो भाई, मान लो कि पेनिट्रेटिंग तो समझ में आ रहा है कि पेनिट्रेट करना मतलब छेद करके इस पार से उस पार निकल जाना, किस में वेधन क्षमता ज्यादा है ना, वेधन क्षमता। एक्चुअली में पेनिट्रेटिंग पावर का हिंदी मींस होना चाहिए जो हम लोग पढ़ते हैं, यूपी बोर्ड के बच्चे जो क्लास 12th में क्लास 11th में जो भी पढ़े हैं उसमें वो वेधन क्षमता पढ़ते हैं या वेधन शक्ति पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ मर्मज्ञ शक्ति दिया हुआ है। तो यही सब चीजें समझनी है कि यहां पूछ कह रहे, तो हमें यह जानना है कि मर्मज्ञ शक्ति का मतलब होता है वेधन शक्ति। अब सुनिए, जिसका मास जितना ज्यादा रहेगा या जिसकी साइज जितनी बड़ी रहेगी वो उतना कम करता है। जैसे आप ये जानते हैं कि अल्फा जो रेज होती, अल्फा पार्टिकल होता है वो गैसों को आयनाइज सबसे ज्यादा करता है, फिर बीटा, फिर गामा, और फिर न्यूट्रॉन तो मान लो करेगा ही नहीं। लेकिन यही अगर हम पेनिट्रेटिंग पावर की बात करते हैं तो ये जस्ट रिवर्स हो जाता है, और पेनिट्रेटिंग पावर का जो आपका वो है क्रम जो है ऑर्डर जो है वो न्यूट्रॉन सबसे ज्यादा पेनिट्रेट करेगा, फिर गामा, फिर बीटा और फिर अल्फा। क्लियर है, पेनिट्रेटिंग पावर में ये रेशियो चलेगा और आयनाइजेशन पावर में इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, द ईएमएफ ऑफ द सेल Zn, Zn प्लस 2 0.1 मोलर, Fe प्लस 2 0.01 मोलर Fe इज 0.2905 वोल्ट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल रिएक्शन इज, सेल के हिंदी में अगर समझा जाए तो सेल के ईएमएफ Zn, Zn प्लस 2 0.1 m, Fe प्लस 2 0.01 m Fe का 0.2905 वोल्ट समतुल्य स्थिरांक है जो सेल की प्रतिक्रिया के लिए होगी। अच्छा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए हम नर्न्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, और नर्न्स्ट इक्वेशन आप लोग जानते हैं, नर्न्स्ट इक्वेशन क्या होता है, E इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन में 2, ठीक है, और लॉग 10 बेस, और अब जाके Zn प्लस 2 या 2 प्लस लिखें, 2 प्लस अपॉन में Fe 2 प्लस। ओके अब ये दे रखा है कितना, 0.2905 इक्वल टू E नॉट, इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0.002951 लॉग 10 बेस, ऊपर 0.1 यहां 0.01, ठीक है। ओके फिर हो जाएगा 0.0 2905
ई नॉट, ये देखिए इसे सॉल्व करने पर 10 आ जाएगा, 10 टाइम्स में कटेगा, लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, तो ये आपका हो जाएगा केवल इतना 0.02951। तो यहां से ई नॉट की वैल्यू क्या निकल गई, ई नॉट की वैल्यू निकल गई 0.32। सॉल्व करके देख लेंगे आपका 0.32 आ जाएगा, लगभग 0.32। ओके, अब देखिए, अब बात ये है एट इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था में, ब्रियम E इक्वल टू होता है 0। अब E इक्वल टू 0 हो गया तो इसका मतलब है कि E नॉट इक्वल टू ये पूरा हो जाएगा, E नॉट इक्वल टू ये पूरा हो जाएगा ना, तो ये आपका हो जाएगा E नॉट इक्वल टू 0.0591 अपॉन में 2 log 10 base Zn plus 2 अपॉन Fe 2 plus। हमारे पास E नॉट की वैल्यू दे रखी है, E नॉट की वैल्यू दे रखी है और वो है 0.32, ठीक है। और आपका सॉरी यहां पर हम लोग log k रखेंगे क्योंकि अभी स्थिरांक निकालना है, ये तो मैं वही लिख दिया, log k इसी का तो वैल्यू निकालना है k। अब ये वापस कितना हो जाएगा 0.02951 log 10k। अब इसको क्या लिख सकते हैं, log k इक्वल टू 0.32 अपॉन में 0.02951, 10 बेस है। यहां से अगर आप लॉग को एक्सपोनेंशियल में चेंज करना जानते हैं तो k इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर 0.32 अपॉन में 0.02951। ये आपका e नहीं होगा, 10 के पावर हो जाएगा क्योंकि बेस e ना होके 10 है, तो ये आपका 10 पावर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है, फिर से एक बार समझा रहा हूं, नॉन स्टिक इक्वेशन लगाएंगे, नॉन स्टिक इक्वेशन ये दे रखा है, सेल का जो आपका आयन है उसको रख दिया, मोलैरिटी रखी, यहां से e नॉट की वैल्यू निकाल लिया, ये इसको सॉल्व करने पर 10 आएगा और log 10 बेस 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये खत्म हो जाएगा, यहां से ये निकला। फिर इक्विलिब्रियम पर E इक्वल टू 0 होता है और यहां अब हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है K, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर ये चीज रखे हम लोग K रखेंगे और उसकी वैल्यू निकाल ली, हमने सारी वैल्यू पुट की और ये जो लॉग है इसको एक्सपोनेंट में चेंज कर दिया, पर यहां बेस E रहता तो E लिखते, अभी 10 है तो 10 लिख दिया और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक किया करें, घर बैठे आप हमें मोटिवेट करने का सबसे अच्छा साधन है कि आप वीडियो को लाइक करिए, बहुत मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट और बहुत ज़्यादा मेहनत करने की, आप लोगों के लिए मेहनत करने की का मन करता है। आप समझ सकते हैं कि आप वहां से बैठे बैठे हमें सपोर्ट करने के लिए सिर्फ एक लाइक का बटन और शेयर कर सकते हैं वीडियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, the degree of hydrolysis of salt of weak acid and weak base is given by the expression is, कमजोर अम्ल तथा कमजोर क्षार के नमक के hydrolysis, hydrolysis की degree अभिव्यक्ति द्वारा दी गई है। तो इसके लिए जो भी, ये तो एक formula है, इसका derivation मैं आपको करवाऊंगा नहीं, तो जो सही है वो मैं लिख कर दिखा दे रहा हूं कि के डब्ल्यू अपॉन के और ये के बी, ये आपका जो है वो करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा। आप ऑप्शन देखेंगे, जहां पर आपको ऐसा ऑप्शन दिखेगा वो आपका सही होगा। ओके ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 है, अ सॉल्यूशन विच इज 10⁻³ मोलर ईच इन Mn+2 Fe+2 Zn+2 एंड Hg+2 इज ट्रीटेड विथ 10⁻⁙ मोलर सल्फाइड आयन इफ Ksp ऑफ MnS यानी मैग्नीज सल्फाइड, फेरस सल्फाइड, जिंक सल्फाइड एंड मरकरी सल्फाइड
आर 10^-15, 10^-23, 10^-20 एंड 10^-54 रेस्पेक्टिवली, विच वन प्रेसिपिटेटेड फर्स्ट, या ये भी कह सकते हैं विच वन विल प्रिपेयर फर्स्ट. ओके, हिंदी में समझ लेते हैं एक बार क्वेश्चन. एक विलेन जो Mn+2, Fe+2, Zn+2 तथा Hg+2 में प्रत्येक में 10^-3 मोलर है, 10^-16 मोलर सल्फाइड आयन के साथ उपयोग किया जाता है, MnS, FeS, ZnS तथा HgS के KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट विलेयता गुणनफल क्रमशः 10^-15, 10^-23, 10^-24 और 10^-54 है. कौन सा पहले अवक्षेपित होगा या कौन सा पहले बनेगा, ये भी कह सकते हैं. तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें इसका आयनिक प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जब टूटेंगे MnS है या FeS है, तो ये जैसे MnS है, अभी मैं समझाता हूं, MnS है, ये टूटेगा तो क्या बनाएगा, Mn2+ और S के ऊपर -2, ये ठीक है. अब इसके बाद क्या हुआ, हम इसका जब आयनिक प्रोडक्ट निकालते हैं KIP, तो हम करते क्या है, Mn+2 और S-2 या S2- करें. ये कितना दिया है Mn+2 का, 10^-3 और ये 10^-16 यानी 10^-19 हो गया KIP. अब देखिए भाई, समझिएगा, अवक्षेपित या होने की कंडीशन या प्रेसिपिटेट देने की कंडीशन, और प्रेसिपिटेट देना है या अवक्षेपित होना, तभी तो रिएक्शन पूरा होगा. यानी बनने की कंडीशन क्या है कि आपका KIP लेस होना चाहिए KSP से. जो KIP है, सॉरी KIP KSP ग्रेटर होना चाहिए KIP से. ओके, तो चेक कर लेते हैं, हमारे पास KIP ये है, अब इससे बड़ा कौन सा है, ये वाला, बाकी सब तो सब छोटे ही लग रहे हैं, और 10^ यहां 20 है, ठीक है. KIP जो है वो सिर्फ एक KSP से कम है, और वो है 10^-15, और 10^-15 किसका है, Mn का है. सो MnS विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट. ओके, क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 16 है, क्रिस्टल फिल्ड स्टेबिलाइजेशन एनर्जी फॉर Ni(H2O6Cl2) इज, Ni(H2O6Cl2) यह एक कॉम्प्लेक्स है की क्रिस्टल फिल्ड स्थितिकरण ऊर्जा है. तो भाई इसका निकालना है, और मैं आपको वो करवाऊंगा नहीं, क्योंकि आप भी उसका जो है आप अपने बुक से चेक कर लीजिएगा कि कैसे निकालते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और वो मेरी भी परेशानी है कि मैं उतनी लंबी वीडियो बना नहीं पाऊंगा. तो इसका मैं आंसर आपको बता देता हूं, इसका आंसर आएगा 12DQ, इस कैपिटल DQ, सॉरी स्मॉल DQ ही रहेगा. इसका मतलब होता है डेसी क्वांटा, 12 डेसी क्वांटा जो है इसका क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजेशन एनर्जी है. ओके, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 है, द पीएच ऑफ 0.005 कैल्शियम एसिटेट इज जीरो, अरे और दिया क्या है, pKa ऑफ एसिटिक एसिड इक्वल टू 4.74, यानी 0.05 मोल कैल्शियम एसिटेट का pH पूछा है आपसे, और एसिटिक एसिड का pKa दिया हुआ है. तो ये क्वेश्चन देखिए 2019 मैथ में भी पूछा हुआ था,
और 2019 बायो में भी पूछ रहे, तो ऐसा नहीं कि मैथ्स के क्वेश्चन बायो में नहीं पूछे जा सकते, तो ये आप ध्यान में रखिए, आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। पीएच इक्वल टू, आज थोड़ा और बेहतर ढंग से करेंगे पिछले बार की तुलना में, पी के ए बाई टू प्लस लॉग सी बाई टू। तो भैया देखो इसमें है और पी के ए की वैल्यू कितनी थी भाई, 4.74 बाई टू, और लॉग की आप कंसंट्रेशन की बात करनी, 10^-2 बाई टू। अब आप कहेंगे सर कंसंट्रेशन कहाँ से मिल गया, जाहिर सी बातें करना ही चाहिए आपको। तो देखिए कैसे मिलता है, हमने क्या किया, कैल्शियम एसीटेट लिया CH3 ट्वाइस CA, और ये टूटेगा आपका CA+2 और 2 CH3C00 नेगेटिव। ओके, थोड़ा सा इसमें मैं ना ऐसे लिखूंगा आप समझ जाइएगा, ये हो गया आपका, इतना दिया हुआ था कैल्शियम एसीटेट का। यहाँ पर क्या होगा, 2 × 0.005 करेंगे तो ये आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक के बाद आ जाएगा। अब ये आपका कंसंट्रेशन है जो हमें प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन तो यहाँ रख देंगे। अच्छा 0.01 को 10^-2 लिख सकते हैं, इसलिए ये लिख दिया। अभी क्या होगा, pH इक्वल टू 2.87, ठीक है ना भाई, 2.37, ओके ठीक है। अब और यहां से देखो ये -2 आ जाएगा और log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि बेस तो 10 है। अभी ये -2 आ जाएगा log m/n वाला होता है ना फॉर्मूला, वहां से -2 आ जाएगा और ये -2 और नीचे 2 कट के -1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8.37 के अप्रॉक्स। अब ऑप्शन में अगर 8.22 दिया है तो भी ये सबसे नजदीक वैल्यू होगी, तो हम उसी को कर लेंगे। ओके, एकदम आसान सा है, आपको इसको तोड़ना है, इसका जो मोलारिटी दिया रहेगा, इसके बाद जो आयंस बनेंगे, एस्टिक एसिड का दिया हुआ है तो एस्टिक एसिड तो भाई इससे बनेगा ना, तो इसके लिए हम लोग जितना मोल बना रहेगा उसे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा आसानी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिएक्शन CaO प्लस SiO2 गिव CaSiO3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, CaO प्लस SiO2 गिव CaSiO3 में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, ये तो कथन तो मैं लिखा ही नहीं हूं, कोई बात नहीं पर मैं समझाता हूं आपको। कथन में दिया हुआ था कुछ इस तरह से कि CaO लक्स फ्लड बेस है और CiO2 लक्स फ्लड एसिड है, फिर एक बार उल्टा कर दिया कि CiO2 लक्स फ्लड बेस है, CaO लक्स फ्लड एसिड है, पर समझ रहे हैं ना, तो जो सही वाला है वो मैं आपको बताता हूं। CaO जो है वो आपका लक्स फ्लड बेस है और SiO2 लक्स फ्लड एसिड है। अब ये डिसाइड कैसे करते हैं कि कौन सा लक्स फ्लड एसिड होगा, कौन सा लक्स फ्लड बेस होगा, तो ध्यान समझिए, वो बेस, सॉरी यहां ओ है ना, वो बेस जो ऑक्साइड आयन डोनेट करता है, जो ऑक्साइड आयन डोनेट करता है वो आपका लक्स फ्लड बेस होता है और जो ऑक्साइड आयन एक्सेप्ट करता है वो आपका लक्स फ्लड एसिड होता है। इस रिएक्शन में सी ए ने अपना लूज कर दिया है, किसको दे दिया, SiO2 को दे दिया है, तो आपका बन गया CaSiO3। तो भाई इस तरह से आप समझ सकते हैं कि लक्स फ्लड बेस कौन से होते हैं, जो अपना ऑक्साइड लूज करते हैं, और लक्स फ्लड एसिड कौन से होते हैं, जो ऑक्साइड आयन एक्सेप्ट करते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल आप चाहें तो मैं लिख दे रहा हूं,
MgO plus CO2 gives MgCO3। अब देखिए यहां पर भी Mg अपना लूज किया है और CO2 जो है वो आप एक्सेप्ट कर लिया है, तो MgO जो होगा वो लक्स फ्लड बेस होगा, लक्स फ्लड क्षार, और जो आपका CO2 है वो लक्स फ्लड अम्ल होगा। ओके क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, डाइबोरेंस हैज द्विबोरान रखता है। तो बेसिकली आपको इसमें बताना है कि वो कौन कौन सा बॉन्ड जो है वो रखता है। तो पहले मैं एक काम करता हूं, आपको डाइबोरेन का स्ट्रक्चर बनाकर दिखा देता हूं। बी बी एच 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 एच, ये है डाइबोरान का स्ट्रक्चर। होता क्या है कि इसमें बॉन्ड देखिए किस तरह से बनता है। एक बॉन्ड ये बन गया जो इस बोर्ड से थोड़ा ऊपर की ओर उठा हुआ है, ठीक है। आपका एक इधर में वही चीज बनेगा, सेम चीज, अब दो बॉन्ड अंदर की तरफ रहेंगे जो कि आपको मैं इस तरह से दिखा देता हूं। दो बॉन्ड इस तरह से हो गए। अब और दो बॉन्ड कैसे होते हैं, इस तरह से होते हैं। तो ये जो दो चार बॉन्ड होते हैं ये कोवेलेंट होते हैं, तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे 4 कोवेलेंट बॉन्ड, और दो जो है वो बनाना की शेप में, हल्का सा उसमें ये जो है ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो सीध में ना जाके ये थोड़ा शेप इनका डिस्टॉर्टेड हो जाता है, यानी थोड़ा कर्व शेप लेते हैं, और इसको हम लोग कह देते हैं बनाना बॉन्ड। तो इसका सही आंसर होगा डाइबोरेंस हैज 4 कोवेलेंट बॉन्ड एंड 2 बनाना बॉन्ड। ओके नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, बॉन्ड प्रोसेस इज यूज फॉर रिफाइनिंग, बॉन्ड विधि से किसका परिष्करण किया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं हर वीडियो में एक आपको होमवर्क का क्वेश्चन जरूर देता हूं, तो ये आज का आपका होमवर्क है कि मॉन्ड विधि से किसका परिष्करण किया जाता है। ऑप्शन है निकिल, कॉपर, फेरस और कोबाल्ट। इनमें से जो सही होगा आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर से दीजिएगा। कमेंट सभी लोगों को करना है, और क्योंकि कमेंट सेक्शन में आप जाओगे तो अगर आपको नहीं भी आता रहेगा तो आप कमेंट एक तो अपना करोगे, अगर सही हो गया तो बहुत अच्छी बात है, वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, और नहीं तो कम से कम आपको जो दूसरा कोई व्यक्ति कमेंट किया है उससे आपको आंसर जरूर पता चल सकता है। तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में जितना कुछ आएगा आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोग का पार्ट 7 जो है वो फिनिश हो गया। नेक्स्ट पार्ट में आपसे जल्द ही मिलते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल से को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।